नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का सच हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस सच को बेपर्दा करने के लिए पंजाब पुलिस पिछले चार दिन से लगातार पूछताछ कर रही है और आज इस पूछताछ का पांचवा दिन है। तस्वीरें सबसे पहले देख लीजिए, यही वो ऑफिस है जहां पर लगातार ऑफिसर्स की टीम आती जाती हुई दिख रही है, क्योंकि सवालों की बहुत लंबी फहरिस्त है। कई सवालों के जवाब तो अब सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई देता हुआ नजर आ रहा है। उसने बड़ा कबूलनामा भी कर लिया है और लगातार उसके बयानों के आधार पर भी अब कई लोगों को गिरफ्तार करके अब के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसी हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट और एक बड़ी जानकारी आपको यह बता दे, रेकी करने वाला संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, जो जिसकी रिमांड खत्म हो चुकी है, उसे एक बार फिर से जेल भेज दिया गया है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि उसकी पिटाई कर डाली है कैदियों ने, जो कि उस वक्त उस जेल में बंद थे, उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, केकड़ा जिससे लगातार पूछताछ पुलिस करती हुई नजर आ रही थी और रिमांड अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जब उसे वापस जेल भेजा गया है तो वहां पर उसकी पिटाई की गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मुक्तसर जेल भेजा गया था, जहां उसकी कैदियों ने का धुनाई कर दी। वो मदद की गुहार लगाता रहा और जेल में बंद कैदी उसे पूरी तरीके से पीटते रहे और इसके बाद जेल प्रशासन ने संदीप केकड़ा की जान बचाई। बंभिया गैंग का नाम सामने आ रहा है, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संदीप केकड़ा को पीटने की जिम्मेदारी ली है और पिटाई के बाद संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि केकड़ा की निशानदेही पर भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है इस पूरे हत्याकांड को लेकर। लेकिन अब दिन ब दिन जो जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें ये कई बड़ी जानकारियां अब सामने। सिद्धू मूसेवाला केस में बंबीहा गैंग की एंट्री, और उस पर कड़ी निगरानी की जा रही है। संदीप केकड़ा मूसेवाला मर्डर केस में अहम कड़ी है। पुलिस जांच में पता चला था कि केकड़ा नशा करता है और सिर्फ 15,000 रुपए के लिए उसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। वो फैन बनकर अपने भाई के साथ सिद्धू मूसेवाला के घर गया था। मूसेवाला के साथ संदीप केकड़ा ने सेल्फी भी ली थी। इसके बाद उसने लॉरेंस गैंग की गोल्डी बरार को मूसेवाला की जानकारी दी थी। कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को संदीप केकड़ा ने बताया था कि मूसेवाला अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, जो बुलेट प्रूफ नहीं है, और वो गाड़ी खुद मूसेवाला ही चला रहे हैं। जिसके बाद घर से निकलने के कुछ ही दूरी पर मूसेवाला की गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बंबीहा गैंग ने बदले की धमकी दी थी, जिसके बाद जेल में बंद संदीप सिंह और केकड़ा की पिटाई की गई। सिर्फ बंबीहा गैंग ने ही नहीं, बल्कि दिल्ली के नीरज बवाना गैंग, भोपी राणा गैंग, कौशल चौधरी गैंग और टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंग की भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी है और इन सभी गैंग ने मूसेवाला मर्डर का बदला लेने की धमकी दी है। यही वजह है कि जेल में बंद बिश्नोई गैंग से जुड़े हर शख्स की निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इससे पुलिस को एक नए गैंग वॉर के छिड़ने का अंदेशा है। तो बंभिया गैंग ने जिम्मेदारी ले ली है ये कहते हुए कि उसी ने संदीप सिंह उर्फ केकड़ा की पिटाई जेल में करवाई है। आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। आनंद, क्योंकि अब कई जो गैंग्स हैं वो अब लामबंद हो चुके हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मूसेवाला हत्याकांड का बदला लिया जाएगा, और ये क्या माने कि ये पहला कदम है केकड़ा की पिटाई करने के बाद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए किस तरीके से गैंगस्टर अब लामबंद हो चुके हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ? आज देखिए बिल्कुल रितिका, हमने अभी अभी जो जेलर हैं मुख्तसर साहिब के, जो सुप्रिंटेंडेंट हैं इकबाल सिंह, उनसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने माना कि हाँ, दोनों गुट आमने सामने हुए थे और इसलिए एहतियातन जो केकड़ा है उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने ये भी माना कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, उसके बाद से जेलों में गैंगवार ना हो, उसको लेकर भी जो पंजाब की तमाम जेल हैं वो अलर्ट पर हैं, वो सतर्क हैं, और जितने भी गैंग्स हैं राइवल्स गैंग के, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या बंबैया गैंग के, उन पर पैनी नज़र जो है वो जेल प्रशासन रख रहा है। और जिस तरह से हालांकि जेलर साहब ने जो मारपीट की बात है उससे इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि आमना सामना जरूर हुआ था और एहतियातन उनको लग रहा था कि यहाँ पर जान का खतरा हो सकता है केकड़ा को, इसलिए उन्हें मुख्तर साहिब से दूसरी जेल में केकड़ा को शिफ्ट किया है।
तो ये बात भी अब खुल के सामने आ गई कि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, तो जो पंजाब की जेलों में जो लॉरेन बिश्नोई गैंग के जो कुख्यात गैंगस्टर या बदमाश बंदे या जो बम्बैया गैंग के जो गैंगस्टर बदमाश हैं वो आमने सामने ना हो जाएं, या जेल के अंदर गैंगवार की जो आशंका है वो अब बढ़ गई है, उसको देखते हुए तमाम जेल प्रशासन जो है वो सतर्क है, अलर्ट है, और तमाम एडवाइजरी जो है वो अलग अलग जेलों में जारी की गई है कि पैनी नज़र जो है सीसीटीवी से तमाम इन गैंग मेंबर्स पर रखी जाए जो विरोधी गैंग के एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं जेल के अंदर अब। बिल्कुल, और अब गैंग वॉर की भी एक बड़ी आशंका अब जताई जा रही है, और इसी को लेकर अब जेलों में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन मुक्तसर जेल से संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को शिफ्ट कर दिया गया है। इस बात को खुद जेल के जेलर ने माना है, उन्होंने कहा है कि कई गैंग अब आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसके कहने पर केकड़ा ने रेकी की थी, मुखबिरी की थी सिद्धू मूसेवाला की, और किस तरीके से उसकी भूमिका अहम रही इस पूरे हत्याकांड में, ये रिपोर्ट आप देखिए। केकड़ा का सिरसा कनेक्शन, सिंगर मूसेवाला की मुखबिरी करने वाला केकड़ा की कुंडली खुलने वाली है। केकड़ा हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला है, उसके गांव का नाम कालावाली है। गांव में इसे संदीप उर्फ केकड़ा के नाम से जानते हैं, और इसी कालावाली गांव से पंजाब एसआईटी की टीम ने केकड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि केकड़ा की कई रिश्तेदारियां मूसेवाला गांव और उसके आसपास हैं। केकड़ा की पूरी कुंडली, सूत्रों के मुताबिक केकड़ा के तार सचिन बिश्नोई से जुड़े हैं। वही सचिन बिश्नोई जिसने न्यूज 18 पर कबूल किया कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है। ये बात सचिन बिश्नोई ने डंके की चोट पर बोली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारे उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है, क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई बिक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। सचिन बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है। सिरसा का रहने वाला केकड़ा सचिन बिश्नोई का पुराना दोस्त बताया जाता है। कहा जा रहा है कि सचिन ने केकड़ा का इस मर्डर में इस्तेमाल किया, उसे मुखबिरी करने का जिम्मा मिला, क्योंकि केकड़ा पूरे मूसेवाला गांव से पूरी तरह वाकिफ था। पंजाब पुलिस का भी ये कहना है कि केकड़ा केवल रेकी में ही नहीं शामिल था, बल्कि उसने शूटर्स को गाड़ी भी मुहैया कराई। क्या कहते हैं केकड़ा के अपने? गांव कालावाली में पता चला कि केकड़ा नशे का आदी है, परिवार से उसके अच्छे रिश्ते नहीं है, पिता के साथ भी झगड़ा करता है, हफ्ते दो हफ्ते में कभी कभार घर आता है। केकड़ा के पिता कहते हैं कि वो चिट्टे का नशा भी करता है। नशा पत्ता करता है जी, वो कदे 5-7 दिन तो 10 दिन तो घरे आ जाता, कदे नहीं आता जी। मैंने तो परेशान कर रखा जी, कुड़ी ब्याहने वाली है। केकड़ा के पड़ोसी कहते हैं कि ये लड़का पहले तो ऐसा नहीं था, पिता मजदूरी करते थे, केकड़ा की माँ का निधन हो गया है, केकड़ा को नशे की लत है। थोड़ा मोटा नशा करता था, तो इसके पिताजी जो बहुत बुढ़ा आदमी है, गरीब आदमी है जी, बहुत गरीब आदमी है इसका बाप, तो मजदूरी करता हमारे साथ ही ये इसका पिता। आपके बहुत नजदीक था कभी निकू, लेकिन आप ही ने उसको गांव से बाहर निकाला, क्यों? अपने भाई जी पहला 8-10 साल पहला अपने नारे 5-7 परचे भी है नाल फौजदारी केसा दे, पर ये पिंड दे विच गलत रवैया होने के कारण आपां इहनूं दूर कीता सी। उसका व्यवहार गलत था? व्यवहार बहुत ज्यादा गलत सीगा, पिंड दे विच धक्का करना बहुत गलत चलना, इस कारण जदों पिंड दे विचों भी ज्यादा शिकायतां आउण लगियां। केकड़ा का मूसेवाला के साथ वाला वीडियो अब हर पोल खोल रहा है। पुलिस की माने तो केकड़ा इस मर्डर केस से काफी करीब से जुड़ा है, उसे ही मुखबिरी जैसा सबसे अहम काम मिला, साथ ही उसे शार्प शूटर को गाड़ी मुहैया कराने का काम भी मिला, क्योंकि मूसेवाला को मारने वाले शूटर 4 प्रदेशों से आए। ऐसे में सबको मैनेज करना और उनको पूरे एरिया की जानकारी इसी का काम बताया जा रहा है।
ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि मूसेवाला के मर्डर में केकड़ा के पास और भी जानकारियां हैं, जो मूसेवाला मर्डर की परत खोलने में काफी अहम साबित हो सकती है। तो ना केवल रेकी करवाई गई थी बल्कि गाड़ियां भी शूटर्स को मुहैया करवाई गई थी केकड़ा की तरफ से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है क्योंकि पूछताछ आप देखिए लगातार जारी है लॉरेंस बिश्नोई से, और ऐसे में इसी पूछताछ में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को कबूला है कि जनवरी से ही सिद्धू मूसेवाला की रेकी करवाई जा रही थी। बड़ी खबर आपको बता दें, ये पूछताछ के बाद न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सिद्धू मूसेवाला की जनवरी महीने से ही रेकी की जा रही थी और मूसेवाला की रेकी का ऑर्डर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था। रेकी की इन कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने जेल में बंद मनमोहन सिंह मोहना नाम के एक आदमी को वारंट पर मानसा लेकर आई है, जिससे भी पूछताछ की गई है और उसने भी इस पूछताछ में इस बात को माना है कि हां जनवरी में रेकी की गई थी, यहां तक कि विधानसभा चुनाव से पहले भी रेकी की गई थी सिद्धू मूसेवाला की। आनंद मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। आनंद, देखिए पूछताछ अब मनमोहन सिंह से भी लगातार जारी है, ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या आज की पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि रेकी ना केवल जनवरी महीने से की जा रही थी विधानसभा चुनाव से पहले भी की गई थी। देखिए रितिका, कल की पूछताछ जो थी लॉरेंस बिश्नोई से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और न्यूज़ 18 इंडिया को जो टॉप लेवल के अधिकारी पंजाब पुलिस के जिन्होंने खुद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की, उन्होंने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई अब पूछताछ में सहयोग कर रहा है और उसने ये बात मानी है कि जेल के अंदर बैठकर जब विक्की मिद्दूघड़ा का मर्डर हुआ उसके करीबन 2-3 महीने बाद वो लगातार धड़ल्ले से विक्की जो गोल्डी बराड़ है उससे कनाडा में बात कर रहा था। उसने ये भी माना है कि जो दो शूटर हैं इसमें एक रूपा और एक अन्य शूटर है उसको सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई जानता है, बाकी शूटर्स के बारे में उसे नहीं पता है। उसने ये भी बताया कि गोल्डी बरार कनाडा में कहाँ रहता है, उसके कौन कौन से एसोसिएट्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, गोल्डी बरार कनाडा में ट्रक चलाता है, ये बात भी उसने पूछताछ में पंजाब पुलिस को बताई कि गोल्डी बरार पेशे से एक ट्रक चलाने वाला शख्स है जो वहाँ पर दिखाने के लिए कनाडा में ट्रक चलाता है। और उसने पूछताछ में ये बात का भी खुलासा किया है कि लगातार जनवरी में जो पुलिस की पूछताछ हुई है मनमोहन से, उसमें खुलासा हुआ है कि जनवरी में रेकी की गई थी बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की, और जो चुनाव थे विधानसभा के उसमें मारने का पूरी तरह से प्लान जो है वो बनाया गया था। और 1 तारीख को न्यूज 18 इंडिया ने भी ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिली थी कि चुनाव के समय सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान जो है वो बनाया गया था, लेकिन उस समय मानसा पुलिस ने भारी सुरक्षा जो है वो सिद्धू मूसेवाला को दी थी, उन्हें इनपुट्स मिले थे, 10 कमांडो AK-47 के साथ लगातार सिद्धू मूसेवाला के साथ रहते थे, इसलिए वो प्लान जो गोल्डी बरार का था और लॉरेंस बिश्नोई का वो फेल हो गया था। और उसके बाद फिर केकड़ा और अन्य लोगों की मदद ली गई, सचिन बिश्नोई ने पूरा प्लान एग्जीक्यूट कराया, तमाम लोगों को जोड़ा और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो है वो 29 तारीख को की गई थी। बिल्कुल, महीनों की पूरी प्लानिंग थी जिसे मिनटों में अंजाम दिया गया, क्योंकि किसी तरह की कोई लापरवाही कोताही बरतना नहीं चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, और ऐसे में कड़ी दर कड़ी अब जब खुलकर सामने आ रही है तो ऐसे में इस पूरे प्लानिंग को लेकर भी पंजाब पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई नई जानकारियों के साथ अब पंजाब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है, उस बात का पता लगाना है कि हथियार जो मुहैया करवाए गए थे शूटर्स को, वो हथियार कहां से पहुंचे हैं, किस रूट का इस्तेमाल किया गया था और कैसे हथियारों के दम पर मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये पूरा का पूरा जाल कैसे बुना गया। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी आ चुका है। पुलिस को मर्डर का मोटिव यानी हत्या का मकसद पता है। पुलिस ने हत्या से पहले मूसेवाला की रेकी करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब भी कई ऐसे राज हैं जो बेहद गहरे हैं और जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच में जुटी पंजाब पुलिस को जो जानकारियां मिल रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि मूसेवाला पंजाब चुनाव के वक्त से ही लॉरेंस गैंग के टारगेट पर थे। पुलिस जांच में पता लगा है कि पंजाब चुनाव के दौरान भी सिद्धू मूसेवाला की रेकी की गई थी। पंजाब चुनाव में सिद्धू मूसेवाला मानसा सीट से उम्मीदवार थे,
चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मनमोहन सिंह मोहना नाम के एक आदमी ने मूसेवाला की रैकी की थी। पुलिस ने 30 मार्च 2022 को मनमोहन सिंह मोहना को पटियाला से गिरफ्तार किया था। मनमोहन सिंह मोहना के पास से पुलिस ने पिस्तौल के साथ 45 कारतूस बरामद किए थे। तब ये बात सामने आई थी कि मनमोहन सिंह मोहना गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया के लिए काम करता है, लेकिन अब पता लगा है कि रैकी के इस काम के लिए ऑर्डर दिल्ली की तिहाड़ जेल से आया था और मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ही दिया था। लॉरेंस ने जेल के अंदर से ही अपने खासम खास गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया को मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर दिया था और जग्गू ने इस काम के लिए मनमोहन सिंह मोहना को लगाया। अब पुलिस मनमोहन सिंह मोहना को जेल से वारंट पर मानसा लेकर आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस से पुलिस की पूछताछ में हत्याकांड का कनाडा कनेक्शन से भी पर्दा उठ रहा है। पूछताछ में लॉरेंस ने पुलिस को बताया है कि तिहाड़ जेल के अंदर से ही वो कनाडा में बैठे गोल्डी बरार से लगातार संपर्क में था। अमूमन रोज ही उसकी गोल्डी बरार से बात होती थी। विक्की मिधुखेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस की गोल्डी बरार से सैकड़ों बार बात हो चुकी है। कनाडा में गोल्डी बरार किस जगह रहता है, बिश्नोई गैंग के कौन कौन से लोग गोल्डी बरार के साथ कनाडा में रहते हैं, इन बातों की भी जानकारी लॉरेंस ने पुलिस को दी है। लॉरेंस ने अब तक की पूछताछ में मूसेवाला मर्डर केस में दो शूटरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है, जिसमें एक को वो सीधे तौर पर जानता है। ये शूटर है जगरूप सिंह रूपा, जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। हालांकि पूछताछ में लॉरेंस ने अब तक ये नहीं बताया कि मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे, हथियार कौन लेकर आया था और हथियारों का रूप क्या था।